जो प्रोग्राम हो रहा है हम उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। आज हमारे जीवन माता जी का 124वां फोटोशूट और सिस्टर मंडली कपा की अंतिम सिस्टर मंडली जो इसका देख रेख कर रही है उसका आज 40वां वर्ष है। आज सहयोग से दोनों एक ही दिन और इसमें हमारा पूरा कार्य समय इकट्ठा हुआ है लगभग 1500 से 1800 में जब प्रसादी प्राप्त करता है और कोई भी घर ऐसा नहीं बचता है जो अपनी श्रद्धा से 500 से 1000 2000 कंट्रीब्यूट करता है और ये खाना कंट्रीब्यूट प्रसाद जो ये एक दूसरा भंडारा और भंडारे में जो भी हमें देता है हम उसे स्वागत स्वीकार करते हैं। कभी ये नहीं किसी से नहीं कहा कि हमें 1000 2000 2 ऐसा मंदिर हिंदुस्तान में मेरे ख्याल बहुत कम है नहीं भी सुना है कि इस मंदिर की जो दीवार है उस पर 3 मंदिर हमारे जुड़े हुए हैं। जैनियों का मंदिर जुड़ा हुआ है हमारे कायस्थों का जीवन माता का मंदिर जुड़ा हुआ है और एक मुसलमानों की एक मस्जिद जुड़ी हुई है जो मुसलमान भाई साहब काजी साहब हैं हमारे लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी वो इतना कॉपरेट करते हैं भाई साहब कोई तकलीफ मत पाना हम खा जाए। इसी तरह से जैन समाज के भी जो नुमाइंदे हैं वो भी हमारी बहुत सहायता करते हैं और हमने उनके लिए ऊपर से जाने के लिए रास्ता दे कि उनका कोई फंक्शन हो ध्वजारोहण करके हमारे ऊपर हमें भारी बनाई है उस भारी से जाके और वो ध्वजारोहण करते हैं ऐसा हमसे बाबा जी उससे बने। पास में जैन मंदिर है एक मस्जिद है यहाँ पे जो एकता देखने को मिलती है वह एक मिसाल है हिंदुस्तान का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।